हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस पे। मैं सुधीर सर आप सभी को क्लास टेंथ में मैथमेटिक्स हम पढ़ा रहे हैं, क्लास ट्वेल्थ के भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अभी चैप्टर हमने 6 स्टार्ट किया था, त्रिभुज ट्रेंगल, ठीक है। उसमें लेकिन ट्रेंगल तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन हमने सोचा कि जो द्विघात समीकरण आपको पढ़ाया गया है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 हटी गया है, जो समांतर श्रेणी है पूरी तरह से उसमें एक भी पार्ट नहीं पढ़ना है, तो क्यों ना हम कुछ क्वेश्चन को दिया जाए, आप खुद से प्रैक्टिस करें। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी साल एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेंगे, ये अपने से छांट के क्वेश्चन जो है कई किताबों से बनाया गया है, और हर साल इस तरह के क्वेश्चन जो है आते रहे हैं और आएंगे, ठीक है। आपको ये कुल मिला के 8-10 क्वेश्चन है जो द्विघात समीकरण का जो है आपको खुद से करना है, ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद आपको खुद एनालाइज करना है कि हमने जो द्विघात समीकरण पढ़ा है क्या हमसे सवाल लग पा रहे हैं कि नहीं। सिर्फ चैप्टर पढ़ने से मतलब नहीं है, बात है कि जब सवाल हम दें या कहीं से भी आपको सवाल मिले, जब उस सवाल को जब आप कर पाएँ तब माना जाएगा कि आपका जो चैप्टर तैयार है, अदरवाइज आपको और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो ड्यू स्टूडेंट, सिलेबस के पीछे ना आप पढ़ें, पीछे पढ़ें कि हमको जो भी तैयार हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको खुद करने हैं, और नहीं आएगा तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका द्विघात समीकरण पूरी तरह से तैयार माना जाएगा। ये क्वेश्चन सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट एक्सपेक्ट एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। निम्नलिखित द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। द्विघात समीकरण को हल करने का 3 तरीका बताया गया था, तीनों तरीकों पर आधारित आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 4x² - 12x + 9 = 0, ठीक है। इन क्वेश्चनों को हमें द्विघात समीकरण द्वारा जो गुणनखंड विधि है हमारा उसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4x² - 4ax + a² - b² = 0, इसको इस तरह से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए और तो इसको जोड़ने पर, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है हमारा इस तरह से अभी द्विघात समीकरण में नहीं है, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण कैसा होता है देखने में होता है ax² + bx + c = 0। हमेशा द्विघात समीकरण को इसी रूप में लिखेंगे, हालांकि यहाँ पे इस तरह से दिख नहीं रहा है तो उसमें क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे 3 क्वेश्चन हुए गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करने के। एक बार हम भी देख लेते हैं पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो सही आ रहा है कि नहीं। जी बिल्कुल ठीक है, छोटा सा सेशन होगा 10 से 15 मिनट का, आपको ये क्वेश्चन नोट करने हैं, नोट करके खुद से सॉल्व करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम त्रिभुज को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो ऐसा नहीं कि पीछे चैप्टर हम पढ़ते जाएँ और उसको भूलते जाएँ तो ले दे के सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मज़ा नहीं आएगा क्योंकि फिर से मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल कीजिए, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बना के जो तरीका हम सिखाए थे कि कैसे x² का गुणांक 1 करते हैं, फिर x के गुणांक का आधा का स्क्वायर जोड़ते और घटाते हैं, वो सारा प्रोसेस जो हम बताए हैं, जो भी बच्चे नए हैं पिछला लेक्चर जाके देखें शुरुआत से द्विघात समीकरण को, तो समझ में आएगा कि किस तरह से किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है 3x² - 5x + 2 = 0, इसको पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करना है। एग्जाम में हमेशा लिख भी देता है, ठीक ना, एग्जाम में अगर लिख दिया है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, तो आपको ना गुणनखंड विधि लगाना है ना द्विघात सूत्र लगाना है, आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको 0 नंबर मिल जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0, ठीक है। ये तो हमारा द्विघात समीकरण बना बनाया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है 10x - 1x = 3, ये द्विघात समीकरण बना बनाया नहीं है, इसको हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक से यहाँ मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 3 सबको एक साइड लाके इसको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है x² - √3 + 1 * x + √3 = 0, ये है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस भी करेंगे और ये क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, PDF फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पे, ठीक है। निम्न द्विघात समीकरण क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र, ठीक है, ये तो सबसे आसान है। जब आप किसी द्विघात समीकरण को हल करते समय आप ये वाला मेथड भी नहीं लग पाए, ये वाला भी नहीं लग पाए, तो द्विघात सूत्र जो है सबसे तगड़ा होता है, हर द्विघात समीकरण को हल करने का सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है। इसमें एटलीस्ट सवाल लग जाता है,
तो आपको खुद से एनालाइज करना है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे सिर्फ सिलेबस खत्म होने से नहीं मतलब है, सिलेबस तो हम खत्म कर ही देंगे, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है 2x² + 5√3x + 6 इक्वल टू जीरो। ये हमारा द्विघात समीकरण बना बनाया हुआ है, क्योंकि द्विघात समीकरण देखने में कैसा होता है, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a हमारा हो जाएगा 2, b हो जाएगा पूरा x का जो गुणांक है ये, और c हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा जो हमारा द्विघात समीकरण है p² × x² + p² − q² ((x - q²)=0। देखिए ये हमारा a हो जाएगा, ये पूरा b हो जाएगा, ये हमारा पूरा हो जाएगा c, ठीक है। तो यहाँ से द्विघात फार्मूला जो लगाना है सीधा चार फार्मूला नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/(x − 1)/(x − 2)=3। ये भी सीधा चार फार्मूला ही लगाना है, लेकिन ये द्विघात समीकरण बना बनाया नहीं है, इसको हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम लेके इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ, दोनों की एलसीएम लेके पूरा, यानी कि आपको खोलना पड़ेगा इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके, तो ये द्विघात समीकरण को बनाना है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी ये द्विघात समीकरण बना बनाया नहीं है, तो इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे, एक नंबर यहाँ से हो जाएगा, सीधा चार फार्मूला लगा के जब सॉल्व करेंगे तो दोनों मिल, यानी कि ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको चार क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो एग्जाम में आपकी जरूर मिली। इसको पहले क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद हम बताते हैं कि इसमें क्या होता है, ठीक है। बहुत छोटा सेशन होगा और एक बार हम रिवाइज भी करा देते हैं, एक बार हम रिवाइज करा देंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, के किस मान के लिए निम्न द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, ये बताइए। अभी अभी बहुत हाल ही में जो त्रिभुज का जो हमारा पहला लेक्चर हुआ है उसके जस्ट पहले वाला लेक्चर, द्विघात समीकरण में जाके देखें के किस मान के लिए जो मूल होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि मूल बराबर होने का जो कंडीशन है d = 0, याद आ रहा है कुछ, d होता क्या है, विविध कर b² − 4ac = 0, ये चीज़ b² − 4ac = 0। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पहला है कि k + 4 × x² + k + 1 × x + 1 = 0, तो k का क्या मान हो ताकि ये इसके विविध कर यानी कि इसका जो मूल हो वो हमारे क्या हो बराबर। मूल मतलब द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं जो द्विघात समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। अगर त्रिघात समीकरण है तो उसके 3 मूल होंगे, चतुर्थघात का समीकरण है तो उसके 4 मूल होंगे। तो वह मूल मतलब अगर मोटी मोटा हम ये समझें, x का मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, तो कभी कभी जो है इसके x k का क्या मान हो ताकि इसका जो दोनों मूल निकालें वो बराबर आए। यहाँ पे भी देखिए ये द्विघात समीकरण नहीं बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे k × x² − 2k − 1 × x + x² + 1, ध्यान दीजिएगा x² यहाँ पे भी है और x² यहाँ पे भी है, तो ये जो है x² एक जगह होना चाहिए, ठीक है। तो आप कॉमन लेंगे, ये एग्जाम में बहकाने के लिए दिया हुआ है ताकि आप गलती करें। x² यहाँ करेंगे, x² कॉमन ले लेंगे तो k + 1 × x² होगा। अगर ध्यान नहीं देंगे बहुत बच्चे सोचेंगे क्वेश्चन गलत है, ठीक है, गलत नहीं है, सही है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, k का मान निकालना है जिसके लिए इसका जो हमारा रूट हो, मूल हो, वो क्या हो बराबर हो। तो बराबर होने का जो कंडीशन है, जो विविधकर है, d = 0 b² − 4ac = 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, kx × x − 2 + हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, कोई क्वेश्चन रिपीट आपको नहीं करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आप खुद से करिए, ठीक है। फार्मूला आपके बुक में दिया हुआ है, हमने भी पढ़ाया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसको पहले द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करिएगा, हमेशा द्विघात समीकरण जो होना चाहिए ax² + bx + c = 0 टाइप का होना चाहिए। a b c की वैल्यू कभी गलत नहीं होना चाहिए, विद साइन निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विविधकर जो मूल बराबर होते हैं तो उसका कंडीशन लगा देंगे b² − 4ac = 0। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² + kx + 3 = 0। फिर से यहाँ से a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू k हो जाएगी, और जो यहाँ पे पूरा कांस्टेंट होता है वो हो जाता है c। तो यहाँ पे कंडीशन फिर लगा के यहाँ से k का मान निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन पूरा जो है पूरे चैप्टर का निचोड़ था, इसमें से सवाल जरूर आएंगे। हालांकि वर्ड प्रॉब्लम भी है इसमें, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम भी हमने कराए हुए हैं एनसीईआरटी के। वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है सिर्फ एनसीईआरटी के करने हैं, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको अलग अलग से करा देंगे। खास बात ये होता है कि एनसीईआरटी में जिस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम होता है
उसी टाइप का ही एग्ज़ाम में आता है। जैसे मान लिया एज वाला क्वेश्चन हो गया, धारा नाव वाला क्वेश्चन हो गया, दो टाइप का हो गया। अंश और हर वाला क्वेश्चन होता है कि अंश में इतना जोड़ दिए, हर में इतना घटा दिए, तो भी नहीं हो जाते, तीन टाइप का हो गया। और जो है एक जो फिक्स आय वाला है और एक क्वेश्चन था, ये चार पांच टाइप का है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वेराइटी नहीं, उसी टाइप के क्वेश्चन का हमें प्रैक्टिस करना है डियर स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, खुद से करेंगे, आप अपना अपने आप को चेक करेंगे कि हम कितना जो पढ़े हैं वो आ रहा है कि नहीं। बाकी हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है त्रिभुज हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम बताएंगे थेज थ्योरम। थेज थ्योरम में क्या होता है, कैसे पता करेंगे कि दो त्रिभुज जो है समरूप है और समरूप नहीं है, क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है, आप देख के नहीं बता सकते हैं, उसमें कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा, कंडीशन लगाना पड़ेगा, कुछ कंडीशन होंगी कि हाँ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी पे होगा। बाकी आज ऐसे ही मेरा मन किया कि कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। आई होप आपको ये सेशन बीच बीच में इसी तरह से आपको मिलता रहेगा। ठीक है, हमारा सिलेबस भी आगे बढ़ेगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तो हूँ यहाँ पे हूँ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इतना प्यार करते हैं, इतने बच्चे जुड़ चुके हैं शुभम क्लासेस पे, तो बहुत ही अच्छा लगता है आप सभी का प्यार बना रहे, यही हम सब चाहते हैं। और हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम लोग हमेशा क्या करें, बेहतर करें आपके लिए। ठीक है, आप बेहतर करेंगे, खुद हम लोग भी अपने आप में प्रेरित होंगे, बेहतर करने का प्रयास करेंगे, और सब लोग मिलके यही कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ हमारे हाथ में क्या है कि हम परिश्रम करें, हम मेहनत करें, आप तक अच्छा वीडियो, आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचाएं, और आप भी उसी अनुपात में मेहनत करें जिस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बेहतर रिजल्ट के लिए 2021 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको बेहतरीन तरह से प्रिपरेशन करा दी जाएगी। आप क्लास 10th में हैं, शुभम क्लासेस ऐप वहाँ से डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, और वहाँ से आपको कंटेंट अब जो है वहाँ पे आपको टाइप कराया जा रहा है, क्वेश्चन मुख्य मुख्य क्वेश्चन जो है आपको हर चैप्टर वाइज मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना 7 लाख सब्सक्राइबर होने पे, 7 लाख सब्सक्राइबर कहना ठीक नहीं होगा, ये एक तरह से परिवार है, एक तरह से फैमिली है, फैमिली में आप हैं और हम सब हैं, शुभम सर हैं, शुभम सर इस पूरे चैनल के हेड हैं, जो पूरे चैनल को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।